दोस्तों, मंगल मिशन के लिए अब नासा एक नया परीक्षण करने वाला है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ध्वनि की गति से तेज चलने वाले सुपरसोनिक पैराशूट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इस तरह के पैराशूट को मंगल मिशन 2020 के दौरान इस्तेमाल किया जाना है। द एडवांस सुपरसोनिक पैराशूट इन्फ्लेशन रिसर्च एक्सपेरिमेंट यानी कि एस्पायर नामक इस पैराशूट को नासा के वेलप्स केंद्र से एक रॉकेट से 31 मार्च को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद था मंगल ग्रह की सरीखी परिस्थितियों में पैराशूट का परीक्षण करना, जिससे कि अभियान के दौरान पैराशूट मंगल पर आसानी से प्रवेश कर सके और लैंड कर सके। लॉन्च के बाद ये पैराशूट अटलांटिक महासागर में जा गिरा, जहां से इसे नाव की मदद से निकाला गया। पिछले कुछ समय से अटलांटिक महासागर में खराब मौसम होने के कारण एस्पायर की लॉन्चिंग में देरी हो रही थी। अब वैज्ञानिक महासागर से निकाले गए पैराशूट और कैमरे व अन्य उपकरणों से एकत्रित डेटा का अध्ययन करेंगे। इसके बाद नासा 2020 अभियान में मंगल पर भेजे जाने वाले रोवर के लिए पैराशूट तैयार करेगा। 6 पहियों वाले इस रोवर को नासा के क्यूरोसिटी रोवर के आधार पर तैयार किया जाना है। पर जीवन की तलाश के साथ ये रोवर पृथ्वी पर लाने के लिए चट्टानों के नमूने भी जुटाएगा। क्या मंगल पर जीवन होने की संभावनाएं मौजूद हैं? आपका इसके बारे में क्या कहना है, जरूर कमेंट बॉक्स पर हमको जरूर लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। हम आपके लिए स्पेस और साइंस की जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।